बेटा, पहले माइनस वन का स्क्वायर किया आपने, क्या आ जाएगा? प्लस वन, फिर प्लस वन इंटू माइनस फोर इज माइनस फोर, आगे प्लस थ्री, नेक्स्ट माइनस सिक्स विल बी योर आंसर। मुझे प्लस लगा था। चलिए थर्ड पार्ट, बस बस थर्ड पार्ट है, एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। टू है ना, तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू। पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू लिखा है या एट एक्स इज इक्वल टू ये लिखा है, तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट वन। वी आर गिवन पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। So first of all we have to find out p of 0. बिल्कुल ठीक है। Next p of क्या है? 1। Next कोई भी खड़े हो जाओ, दोनों की टर्न आ जानी है। ठीक है, नेक्स्ट पी ऑफ टर्न आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि बातें शुरू हो जाएं, या नहीं आई है तो भी ये मतलब नहीं है कि बातें शुरू हो जाएं। टू स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बोल लो ये स्टेटमेंट क्या है। क्या हो गया? वेयर इज योर मास्क? हाँ जी बेटा, कहाँ? टू प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है कि एडिशन होती है? पहली टर्म एज इट इज टू प्लस जीरो इज टू, अब इसको सिंप्लीफाई करो। क्या आया? अब बैठो, नेक्स्ट पी ऑफ वन। लेट हर टेल बेटा। क्या हो गया इधर वत्सल आयान? क्या डिस्कशन चल रही है? ये थोड़ा कि अपनी बारी होगी, दूसरों को हमने सुनना ही नहीं है। मैं वही कह रही हूं ना, दूसरों को भी सुन लो, वो बेचारे इतनी शांति से तुम्हें सुनते हैं और जब उनकी टर्न आती है आप सुन ही नहीं रहे वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। कहाँ बेटे? ओके सिंप्लीफाई क्या आएगा?
3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 माइनस एज इट इज 1 का क्यूब इज ऊंची बोलो 1 का क्यूब व्हाट डज 1 क्यूब मींस 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 क्या आएगा सिंप्लीफाई करके सिट डाउन नेक्स्ट पी ऑफ 2 हरगुन यहां से उठ के ना हर सिमरन के पीछे वाले बेंच पे चले जाओ मूव क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे यही गलतियां करते हो छोटी छोटी अब इसको सिंप्लीफाई करो हाँ कितना आया सिट डाउन नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बड़ा सिंपल सा आया है ना कादा शी इट्स अनु मैम वो सुबह ले गए थे हाँ जी मुझे नहीं पता वो सुबह ले गए थे मुझे लगा उन्होंने दे दिए हाँ जी बेटा ओके अब तीनों आप बताओ चलिए नेक्स्ट पी ऑफ चल वो बोल रहे हाँ जी एक्स माइनस वन क्या हो गया आपको मैंने इसीलिए कहा था यहां से उठ के वहां जाइए जिसकी है वो रख ले ले लो वापस मैं स्टेटमेंट लिख ही रही हूं नाउ गो बैक इतना बोलना ना मैं नहीं अफोर्ड कर सकती इतना आप क्लास में बोल रहे हो 10 मिनट मेरे इसमें लग जाते हैं मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ कि बोलना नहीं है हाँ जी आप अलग नहीं है चलिए बेटा पहले क्या हम ले रहे हैं इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ओके क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लिया तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अब हमने निकालना है p ऑफ जीरो कितना आ जाएगा माइनस वन वेरी गुड नेक्स्ट ठीक है थ्री सिट डाउन नेक्स्ट वन इसी से है नेक्स्ट क्या है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम आपने क्या करना है सिमिलरली मतलब जैसे प्रीवियसली आपने वैल्यूज पुट की है वैल्यूज पुट करनी है अगर वो वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है देन इट विल बी अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल otherwise it will not be a zero rudra stand up at your place eva aap baitho he will tell koi baat nahi haan ji iske baad wala dhruv batayega यहाँ क्या लिखो पूरा बोलो ना नंबर कट जाने हैं
मैं अपने पास से स्टेटमेंट दे दूंगी. तो इज इट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, सो इट इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. अगर ये नॉन जीरो आ रहा होता, जीरो के इक्वल ना होता, तो नॉट अ जीरो. चलो जी ध्रुव. नहीं, इसको मैंने मुश्किल सा देना है. दिस वन जितना मेरी क्लास में बोला करेगा ना आगे से, उतना मुश्किल सम में दिया सर. ये बात ये हुई, आप मुझे नहीं सुनोगे, मैं आपको नहीं सुनूंगी. हाँ तो ये बताओ, इसके बाद मैं भी पक्का इजी दूंगी. इधर से आवाज ना आए, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी. जो पहले वाले पूछे के नंबर है वो मैं जीरो कर दूंगी. कहाँ? दिस वन. ओके, हाँ जी. पी ये ठीक लिखा है. यहाँ क्या है? और कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, नहीं तो उसके नंबर भी जीरो. मुझे नहीं पता बीच में क्या लगा हुआ है. फिर यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखा है? फिर व्हाट डज इट मीन, व्हाट यू आर रिप्लेसिंग एक्स विद? एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? ये थोड़ा यहाँ कुछ लिख दो, इधर कुछ लिख दो, यही नहीं सुनता ना, इसी का नतीजा है ये. गर्ल्स अब इसका स्क्वायर क्या होगा? ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी, पावर जब भी इवन आ गई तो दैट विल बिकम. फिर वन का स्क्वायर इज, तो यहां क्या बन गया? थ्री इंटू वन अपॉन में बताओ, रूट थ्री का स्क्वायर इज. रूट के नीचे कोई भी नंबर स्क्वायर में रूट हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? आधा तो मैंने बता दी है, आधे नंबर मेरे हो गए. नाइन भी सुन रहा था मुझे तो. आगे बोलेगा नहीं कोई. वन माइनस वन इज, फिर अब ये बता मुझे, ये वन बाय रूट थ्री, माइनस वन बाय रूट थ्री, इसका जीरो है या नहीं है? क्यों? आंसर क्योंकि जीरो आ रहा है, सो इट इज अ जीरो. ये भी आप ही बताएंगे, टू बाय रूट थ्री वाला भी. अब मैं नहीं बोलूंगी बीच में. ये लिख दिया मैंने आगे, थ्री. ओके, टू अपॉन रूट थ्री. चलिए अब बताइए. लंच किया था रिसेस में? थ्री कहाँ गया? खा लिया?
फिर मैडम ने भी आंसर नहीं देखना, नंबर सीधा जीरो। बीच में बोलना नहीं है। आपके हिस्से के नंबर भी मैंने उसको दे देने हैं, आपके जीरो। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? थ्री इंटू फोर बाई थ्री का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हाँ तो फिर थ्री का टेबल आता है कि वो भी नहीं आता? चल बता फिर क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको मेरे ख्याल से टीचर स्टार्टिंग से करवाते हो रहे आ रहे होंगे, ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला नीचे से, या फिर ऊपर और नीचे वाले की कटिंग कर दो। ओके, एक और बताएगा, जब तक सारा नहीं खुद बताएगा तब तक बताता जाएगा। आज स्टैंड अप, बाकी इसी बहाने ध्यान से सुनेंगे ना, उनको ऐसे मजा आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 4x + 1x - 3। अब इजी दे रही हूं, ये बता देगा तू फुल। बोलना नहीं है बीच में। यहां क्या लिखती? हाँ जी, माइनस वन। ओके, क्यों? सो इज इट अ जीरो और नॉट? अब यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज एक्स इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ दिस इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट बताइए। फिर ये जल्दी के काम होते हैं, कटवा लिए ना नंबर, बैठ जाओ। चलिए भाविश, जिनको ज्यादा शौक होता है ना बोलने का, फिर मैं ऐसे बुलवाऊंगी उनको। हाँ जी, नहीं जी नहीं, आपकी गलती है, क्यों बोल रहे थे? पहले आप आगे ही बैठे हुए थे, अब एटलीस्ट इधर ध्यान दोगे ना, कि दिख नहीं रहा तो ध्यान से देखूं। फाइव एक्स माइनस फाइव, सेकेंड पार्ट बताओगे आप मुझे? आप वो मेरी मर्जी, p of x is equal to 5x minus pi at x is equal to 4/5। हाँ जी, रमनीक, नंबर जीरो करने में ना मुझे सिर्फ माइनस, यहां क्या लिखूं? क्यों? आगे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया है, इज इट अ जीरो और नॉट?
वाई, कैसे लिखू मैं इसको, आंसर क्या लिखू लास्ट में? जिनकी टर्न रह गई है दैट आई विल टेक ऑन मंडे। हाँ जी, आंसर क्या लिखू? नो रीजन, सिट डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आई विल आस्क यू आल्सो द क्वेश्चंस।